अज असी तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हैं एक इहो जिहे पुलिस अफसर दे नाल, एक इहो जिहे IPS अफसर दे नाल जिस नूं मन्निया जांदा है कि यह करप्ट अफसरां दा दुश्मन है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर ट्रैप किए आपकी टीम ने, और मैं ये वर्किंग स्टाइल जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो वर्किंग स्टाइल है वो किस तरीके से अगर पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हो पाएगा। IAS हैं या IPS हैं, मान लीजिए कलेक्टर और SP, ये किस तरह से करप्शन करते हैं, दलाली किस तरह से होती है, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा कि जरूर अगर आप बता पाएं तो कि ये करप्शन किस तरह से करते हैं, SP किस तरह से करते हैं, कलेक्टर किस तरह से या DM DC किस तरह से करप्शन करते हैं, इनका जरिया क्या होता है, किस तरह से ट्रैप दलाल के माध्यम से या किस तरह से। पिछले साल कलेक्टर 12 थे, उनको अरेस्ट किया था IAS ऑफिसर, उसमें जो पेट्रोल पंप है उसमें NOC देने के लिए वो अपने अपने PA थे, अपने PA के थ्रू पैसा ले रहे थे, अपने मतलब PA को दलाल बना लिया था, उसके थ्रू पैसा ले रहे थे, उसमें वो ट्रैप हुए थे। और एक दौसा SP भी अरेस्ट हुए थे, दौसा जिले के SP थे, मनीष अग्रवाल नाम से, वो बेसिकली जैसे वहाँ एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जो दिल्ली और बॉम्बे के बीच में जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उस कंपनी को तंग करके उनसे वो पैसा मांग रहे थे। जैसे वो मासिक बंदी मांगा था उन्होंने, इनके करीब 1000 गाड़ी आते, पर गाड़ी 10,000 हर महीने चाहिए, वो मांगा था। कुछ अधिकारी मोस्टली अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू ही पैसे मांगते लेते, कुछ अधिकारी वो प्राइवेट आदमी को दलाल बना के उनके थ्रू भी ये काफी पैसे लेते थे। अजमेर SP अरेस्ट हुए थे, उन्होंने मासिक बंदी, जैसे सारे SHO से मासिक बंदी लेते थे, उनके लिए एक दलाल था उसके थ्रू लेते थे, तो उस टाइम वो ट्रैप हुए थे। माइनिंग उदयपुर में माइनिंग बहुत ज़्यादा है, और दूसरी जगह जैसे चूरू है वहाँ अवैध दारू की सप्लाई बहुत होता है, तो इस तरह से जिन जिन जिलों में जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके बेसिस में वो बड़े अधिकारी पैसे लेते हैं। कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी पंजाब सरकार को अगर राजस्थान की तर्ज पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। सत श्री अकाल, स्वागत है प्रो पंजाब TV ते, मैं हाँ विक्रम सिंह। पंजाब सरकार दी असी गल करांगे और ऐसे अफसर दे नाल अज तुहानू मिलवाउण जा रहे हैं जो करप्शन दा दुश्मन मन्निया जा रहा, और पंजाब सरकार ने एक पिछले दिन नंबर जारी कीता सी, पंजाब सरकार कह रही है कि पंजाब दे विच्चों करप्शन खत्म करना है, और कहा जा रहा है कि जो दफ्तर ने सरकारी उन्हां दे विच्चों करप्शन नू खत्म करना है ताकि पूरे पंजाब दे विच्चों करप्शन खत्म कीता जा सके। अज असी तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हैं एक इहो जिहे पुलिस अफसर दे नाल, एक इहो जिहे IPS अफसर दे नाल जिस नूं मन्निया जांदा है कि यह करप्ट अफसरां दा दुश्मन है, और दिनेश MN एक इहो जिहे IPS ने जो ADGP ने ACB राजस्थान दे, और सीधे साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने, उन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे क्योंकि उन्हां दे बारे एक बार मैं तुहानूं तफसील दे विच दस दिया और कि किहड़े किहड़े मामले उन्हां ने फड़े ने, और IAS अफसर IPS अफसर, ये नहीं कि छोटे मोटे कोई कलर्क फड़ लिया, कोई छोटा इंस्पैक्टर फड़ लिया, वड्डे वड्डे IAS IPS अफसर। एक बार थोड़ा जा मैं डिटेल दे विच तुहानू दस दिया कि अशोक सिंह भी एक टॉप दा IAS अफसर जिसनों इन्हां ने ट्रैप किया सी, और करोड़ों रुपए की रिश्वत की जो रकम सी उसके कोलों बरामद की सी, और इस दे नाल ही नीरज के पवन एक टॉप दा IAS सी जिसनों इन्हां ने ट्रैप किया, इस दे नाल ही सही राम मीणा एक टॉप दा अफसर सी उसनों इन्होंने ट्रैप किया, इस दे नाल ही शशांक यादव को 16 लाख की रिश्वत की जो रकम सी बरामद हुई, और होर बहुत सारे अफसर ने, मैं दसा तो एक CBI का इंस्पैक्टर भी इन्होंने ट्रैप किया जिस तो बहुत वड्डी रकम लखा रुपए की रकम फड़ी गई सी, मौके पर उसनों ट्रैप किया, और बहुत सारे केस ने, इस दे बारे भी असी तफसील दे विच जानकारी तुहानू देवांगे, और ACB ने राजस्थान दे विच किस तरीके नाल काम किया और पंजाब सरकार किस तरीके नाल काम कर रही है, और दिनेश MN जी को असी जानने की कोशिश करांगे कि वर्किंग स्टाइल की है उन्हां दा। दिनेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रो पंजाब TV पर। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। सर मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि पंजाब में भी जो नए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने एक नंबर जारी किया है करप्शन को खत्म करने के लिए कि इस नंबर पर हमें भेजिए, मैसेज करिए और शिकायत करिए, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि इस तरीके से पंजाब में करप्शन खत्म हो सकता है। मैं उनको मेरी तरह से शुभकामनाएं देता हूं, पंजाब सरकार को और पंजाब मुख्यमंत्री जी को,
और हमने राजस्थान में भी एक हेल्पलाइन चालू की थी 1064 और एक मोबाइल नंबर भी चालू किया था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हेल्पलाइन नंबर की, जैसे अगर कहीं भी किसी किसी कस्बे में किसी अधिकारी ने पैसा मांग लिया, तो जो जिनसे पैसा मांगा उनको ये पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाके शिकायत करे, कौन अधिकारी है, किससे शिकायत करना है। तो जब से हमने राजस्थान में 2020 24 जून को हमने ये नंबर जारी किया था, उससे ये फायदा हुआ कि जैसे ही अगर कोई किसी से रिश्वत मांगते हैं वो तुरंत इस नंबर पे डायल करते हैं। इस नंबर में डायल करते कि ये नंबर हमारी जो जयपुर में एसीबी हेडक्वार्टर है वहां ये नंबर लगता है, वहां हमारी जो अधिकारी हमेशा एक इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर या डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी बैठे रहते हैं, वो ये नंबर इनसे बात करके जो हमारे संबंधित अधिकारी है उनको कनेक्ट करवाते हैं। और बहुत बार तो हम हमारे जो कंप्लेनेंट है उनको हमारे ऑफिस तक बुलाते भी नहीं है, हमारी गाड़ी हमारे संबंधित अधिकारी है वो सीधे जाके उनसे मिलते हैं, संपर्क करते हैं और ट्रैप करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसका हमारा आउटरीच बहुत बढ़ गया है और कि कहीं भी किसी कोने में भी 1064 पे नंबर कॉल करते ही वो हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। इस नंबर से पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए हमारी जैसे गंगानगर जिला है, वहाँ सूरतगढ़ कस्बा है, सूरतगढ़ कस्बे में किसी ने पैसा मांगा तो उनको उस टाइम पता नहीं होता था गंगानगर में कहाँ जाएंगे, कौन अधिकारी है, एड्रेस क्या है, अगर वो किन से मिले वो हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अब क्योंकि सारे कॉल 1064 के हमारे हेडक्वार्टर में आते हैं, उसकी अच्छी सुनवाई भी हो जाती है और उसके संबंधित ट्रैप भी हो जाती है। ठीक है, और जिस तरह से बेखौफ होकर लोग कर रहे हैं शिकायत, कितनी शिकायतें प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपको, और कितने अब तक मैंने रिकॉर्ड देखा सोशल मीडिया पर तो सैकड़ों मामले आपने पिछले साल में जो लोगों पर कार्रवाई की है। नहीं, इस नंबर के जारी करने के बाद काफी हम लोगों की शिकायत मिलने लग गई है। रोजाना करीब करीब 20 से लेके 50 तक शिकायतें मिलते हैं, हर तरह की शिकायतें होते हैं। और हमारे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, उस व्हाट्सएप नंबर में अगर कहीं आरटीओ इंस्पेक्टर सड़क पे पैसा ले रहा है उसका वीडियो बना उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करते हैं। अगर किसी दफ्तर में कोई परिवादी गया, वहां कोई अधिकारी ने उससे पैसा मांगा तो उसके अगर रिकॉर्डिंग हो जाए, रिकॉर्डिंग हमें भेज दे, उसके उपरांत भी हम लोग उसको एफएसएल भेजते, अगर वो वीडियो सही है तो हम कार्रवाई करते हैं। जब से हमने ये नंबर चालू किया है 2020 में, उसके बाद हमारे नए डीजी साहब बीएल सोनी साहब ने भी ज्वाइन किया था और उनकी ज्वाइन करने के बाद भी इस नंबर को हमने ज्यादा पॉपुलराइज किया है। उसका नतीजा ये रहा कि पिछले साल मतलब 2021 में राजस्थान हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ट्रैप पिछले साल हुए, हम लोग करीब 430 ट्रैप कर पाए, उससे पहले हाईएस्ट तक करीब 320 ट्रैप हुए थे 2012 में। तो हम लोग इस बार 430 नंबर ही नहीं है और इवन क्वालिटी में भी, जैसे एक कलेक्टर अरेस्ट हुआ, एएस ऑफिसर, एक एसपी जिला एसपी आईपीएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, आईआरएस ऑफिसर अरेस्ट हुए और एक यूनिवर्सिटी के वीसी अरेस्ट हुए, तो काफी क्वालिटी में भी इम्प्रूव हो गया। और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के करीब 8 ऑफिसर अरेस्ट हुए और राजस्थान पुलिस सर्विस के करीब 5 ऑफिसर अरेस्ट हुए। सो नॉट जस्ट इन नंबर्स में भी हम काफी 430 ट्रैप हो गए, प्लस क्वालिटी में भी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि हम अब तक यही देखते रहे कि पिछले साल की मैं बात करूं या कुछ सालों की बात करूं तो देखा कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर ट्रैप किए आपकी टीम ने, और मैं ये वर्किंग स्टाइल जानना चाहता हूं कि किस तरीके से जो वर्किंग स्टाइल है वो किस तरीके से अगर पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हो पाएगा, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर गाइड करिएगा। नहीं, एक तो हमारी हमारी सरकार ने हम लोगों को अभी जो काफी सुविधाएं दे रखी है, सबसे पहले एक हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर जैसे मैंने बताया कि सबसे एडवांटेज है, हमारा आउटरीच बढ़ गया, कहीं भी किससे भी पैसे मांगे तुरंत इस नंबर कॉल करते ही हमारी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है, हम गाड़ी लेके उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको हमारे ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पहले होती थी कि जैसे किसने ट्रैप करा लिया, लेकिन वो ट्रैप तो उसके लिए एक कोई काम पेंडिंग था उसके लिए कराया उसने, तो पहले क्या होता था कि जैसे ट्रैप होने के बाद उसे काम नहीं होते थे और हमारे पास कोई लीगल कोई ऐसे सर्कुलर ऐसे कोई पावर नहीं थी उसको काम कराने के लिए विभाग का पीछा करे। लेकिन हमारी प्रेजेंट सरकार ने पिछले साल एक सर्कुलर निकाला है, इस सर्कुलर में क्लियर कट ये कहा गया है कि जैसे जो भी ट्रैप कराता है उसके काम कराना उस विभाग की जिम्मेदार उस विभाग को बनाए, विभाग अध्यक्ष को जिम्मेदार तय किए, और उसके बाद हमें भी कहा गया कि हम भी इसका पीछा करके उसका काम कराए, और जो भी ट्रैप होता है उसके काम हुआ नहीं हुआ इसके लिए हर महीने एक मीटिंग होती है, हमारे जो होम सेक्रेटरी वो जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी है वो सारे विभाग अध्यक्ष और सेक्रेटरीज को बुलाते हैं, उनसे बकायदा पूछते हैं कि ये इस तरह से ट्रैप हुआ तो उस परिवादी का काम हुआ ही नहीं हुआ, अगर काम नहीं हुआ तुरंत करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या थी जो ट्रैप कराने वाला है
उससे इसको बड़ा बड़ा फायदा हो गया। अभी हमें कुछ ही टाइम पहले एक परिवार जीता जिसके करीब 3 करोड़ की पेमेंट अटके हुए थे, करीब 3 साल से उसके पेमेंट अटके हुए थे एक कंस्ट्रक्शन विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में। तो हमारे पास आया, उसने ट्रैप कराया, ट्रैप कराने की करीब 10 दिन के अंदर अंदर ही हमने 3 करोड़ पूरा रिलीज करवा दिया जो 3 साल से अटके हुए थे। और अभी एक और परिवादी का पेट्रोल पंप एनओसी था जो कलेक्टर के पास पेंडिंग था, कलेक्टर ने पैसा मांगा तो कलेक्टर 12 को हमने अरेस्ट भी किया और विद इन 1 हफ्ते के अंदर ही इसका एनओसी भी जारी करवा दिया। तो जो परिवादी आते हैं उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट अपना काम होता है। तीसरी समस्या ये होती थी कि जैसे कोई भी परिवादी है उससे कोई बड़ी रकम मांग ली, किसी ने 10 लाख मांग ली या 20 लाख मांग ली, 50 लाख मांग ली, तो परिवादी को वो पैसा खुद अरेंज करता था पहले, और उसको वो पैसा जब केस का पूरा ट्रायल खत्म हो गया, जब केस खत्म हो जाता है उसके बाद उस टाइम उसको मिलते थे। लेकिन अभी हमारी सरकार ने यहाँ एक रिवॉल्विंग फंड जारी किया है जिसमें 1 करोड़ का फंड हमें दिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि परिवादी की लाता है वो पैसा ट्रैप मनी, लेकिन उसको हम जल्दी रीइंबर्स कर देते हैं। हमारी कमेटी बनी हुई है मेरी अध्यक्षता में, वो कमेटी रिव्यू करती है, रिव्यू करके वो पैसा जो जनरली 15-20 साल बाद मिलता था वो पैसा हम 7-8 दिन के अंदर ही उसको रिव्यू करके दे देते हैं। तो इसका पैसा भी फंसता नहीं है। जैसे अगर सरकार की जिम्मेदारी है कोई सरकारी कर्मचारी पैसा नहीं मांगे, अगर कोई पैसा मांगता है तो हम परिवादी को कहे कि तुम ही तुम्हारा पैसा लाओ और पैसा तुम्हें 20 साल बाद मिलेगा, तो परिवादी का क्या इंटरेस्ट होगा। बेसिकली सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को हमारी सरकार ने माना और हमें ये 1 करोड़ के करीब रिवॉल्विंग फंड दिया है। और इस तरह की जो स्कीम्स है जो सरकार हमें मदद कर रही है और सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इससे हम लोग, हमें लगता है कि अच्छे अच्छे केस होने लग गए हैं। और चौथी बात यह है कि जैसे हमारे राजस्थान में हमें इंटरसेप्शन की फैसिलिटी मिली हुई है। बहुत बार हम टेक्निकल इंटरसेप्शन या मॉनिटरिंग करके, जैसे दलाल उनको पीछा करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उस बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं। जैसे हमारे सबसे बड़ा फ्लैगशिप केस जो 2015 सितंबर 16 को हुआ था मेरे सुपरविजन में, एक उस टाइम की माइनिंग सेक्रेटरी 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर अशोक सिंह भी, वो 2.5 करोड़ की रिश्वत के साथ अरेस्ट हुए थे। वो पूरा केस उनका एक दलाल था जो पूरा विभाग चलाता था उस टाइम, संजय सेठी नाम से, उसके पीछा करने में, उसकी टेक्निकल मॉनिटरिंग करने में और कुछ सर्वेलेंस से पूरा केस बना था। वो फैसिलिटी हम लोगों को मिली हुई है। तो इन 4-5 रीजन से हम लोग और हमारे जो प्रेजेंट डीजी साहब है भगवान लाल सोनी साहब, पहले भी वो चंडीगढ़ में सीबीआई में रहे हुए, उनके तजुर्बा भी अच्छा है सीबीआई का, और उनके भी पूरा मार्गदर्शन में हम लोग इतने बड़े बड़े केस कर पा रहे हैं। सर, जब आपने ज्वाइन किया था एसीबी में और आपकी पोस्टिंग हुई, तो आपको यूं अंदाजा था कि इतने बड़े लेवल पर करप्शन होती है और जैसे आईएएस को ट्रैप कर लेंगे, आईपीएस को ट्रैप कर लेंगे, खासतौर पर जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिले का मालिक होता है, या आईपीएस एसपी है तो जिले का मालिक माना जाता है, ऐसे बड़े बड़े ट्रैप्स होंगे, ऐसा सोचकर चल रहे थे, या पहले से आइडिया था या पहले से जानकारियां थी कि इतने बड़े लेवल पे हैं तो बड़े लेवल पे करप्शन भी बड़े लेवल पे होती है, अमाउंट भी बड़े लेवल पे होती है? फिर नहीं, एक तो हमारी राजस्थान एसीबी पिछले करीब 10 साल से, मैं कह सकता हूँ 2012-13 से, जब हमारे एक अजीत सिंह साहब नाम से एक रिटायर्ड डीजीपी रहे, वो राजस्थान एसीबी के हेड बने, एडीजी बने। उस टाइम में उनके टाइम में जो 4 साल का कार्यकाल था उनका, 2009 से लेके 2013 तक, उस टाइम में उन्होंने काफी अच्छे अच्छे केसेस किए थे। 2 IPS पकड़े गए थे और एक सेशन कोर्ट जज भी पकड़े गए थे। तब से एक तरह से राजस्थान एसीबी का ट्रेंड बन गया बड़े बड़े केसेस करना और मॉनिटरिंग करना और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का पीछा करना और बड़े केस करना। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया था 2015 में, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, जैसे मैंने बताया माइनिंग का केस, वो बहुत बड़ा केस था उस टाइम का। तो उसके बाद मैंने अभी 1 साल रहा मैं उस टाइम में, 2015 से लेकर 2016 तक मैं रहा। उसके बाद मेरे एसओजी में ट्रांसफर हो गया था। और जब इस बार मैंने, जब से नई सरकार आई 2019 जनवरी से मैं एसीबी में हूँ, तब से मैं अंदाजा था कि किस तरह से करप्शन होता है, किस तरह से फॉलो करना है। और हमारी एसीबी भी इतने साल से इक्विप हो गई, हमारी टीम भी इक्विप हो गई, और किस तरह से पीछा करना, पकड़ना कैसे, एंड देन उस केस कैसे बनाना, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, और सबसे ज्यादा हमारे केसों को कोर्ट में कैसे हम डिफेंड करना, तो ये सारे पूरा जो सारे जो चीजें है, केस बनाना और फॉलो करना, उसकी एक तरह से हमारी अच्छी एक्सपर्टाइज हो गई राजस्थान एसीबी की ट्रैप्स में स्पेशली। तो जिस वजह से हम लोग इतने बड़े केस कर पा रहे हैं हम लोग, और हमारी केस कोई भी कोर्ट से भी पिटते नहीं, इन द सेंस हमारे कोई भी केस 482 में क्वैश नहीं हुआ अभी तक।
सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा और समय लूँगा मैं आपका सर, क्योंकि बहुत सारियाँ जानकारियाँ जो आपके पास हैं लोग जानना चाहते हैं, खास करके पंजाब में जो नई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है और राजस्थान एक एग्जांपल है उसका, और आप जैसे सीनियर ऑफिसर हैं वो खास तौर पर एग्जांपल है, आइकन है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से IAS हैं या IPS हैं, मान लीजिए कलेक्टर और SP, ये किस तरह से करप्शन करते हैं, दलाली किस तरह से होती है, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा कि जरूर अगर आप बता पाएं तो कि ये करप्शन किस तरह से करते हैं, SP किस तरह से करते हैं, कलेक्टर किस तरह से या DM DC किस तरह से करप्शन करते हैं, इनका जरिया क्या होता है, किस तरह से ट्रैप दलाल के माध्यम से या किस तरह से? नहीं, ये जैसे ये डिपेंड करता है अलग अलग जिले में और अलग अलग अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे मैंने पिछले साल कलेक्टर 12 एक थे, उनको अरेस्ट किया था, IAS ऑफिसर थे। उसमें जो जो पेट्रोल पंप है उसमें NOC देने के लिए वो अपने अपने PA थे, अपने PA के थ्रू पैसा ले रहे थे, वो अपने मतलब PA कोई दलाल बना लिया था उसके थ्रू पैसा ले रहे थे, उसमें वो ट्रैप हुए थे। और एक दौसा SP भी अरेस्ट हुए थे, दौसा जिले के SP थे, मनीष अग्रवाल नाम से। वो बेसिकली जैसे वहाँ एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जो दिल्ली और बॉम्बे के बीच में जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उस कंपनी को तंग करके उनसे वो पैसा मांग रहे थे। जैसे वो मासिक बंदी मांगा था उन्होंने, इनके करीब 1000 गाड़ियां थे, पर गाड़ी 10,000 हर महीने चाहिए, वो मांगा था। सेकेंड मंथली मांग रहे थे, इन्होंने ये मांगा था कि जब भी आपके खिलाफ FIR दर्ज होगा 10,00,000 देने पड़ेंगे। इस तरह से अलग अलग माध्यम से इन्होंने मांगा था। वो कुछ अधिकारी मोस्टली अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू ही पैसा मांगते लेते, कुछ अधिकारी प्राइवेट आदमी को दलाल बना के उनके थ्रू भी ये काफी पैसा लेते हैं। कुछ हमारे पुलिस में कभी कभी, जैसे हमारे राजस्थान में एक 2013 में एक अजमेर SP अरेस्ट हुए थे, उन्होंने मासिक बंदी, जैसे सारे SHO से मासिक बंदी लेते थे, उनके लिए एक दलाल था उसके थ्रू लेते थे, तो उस टाइम वो ट्रैप हुए थे। तो इस तरह से वो जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटीज है, जैसे राजस्थान में माइनिंग, उदयपुर में माइनिंग बहुत ज्यादा है, और दूसरी जगह जैसे चूरू है वहाँ अवैध दारू की सप्लाई बहुत होता है। तो इस तरह से जिन जिन जिलों में जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके बेसिस में वो बड़े अधिकारी पैसे लेते हैं। वजह क्या मानी सर कि दिमाग में करप्शन भर गया है लोगों के, क्योंकि अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद भी करप्शन क्यों, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करी? मुझे लग रहा है कि अगर आप बुक्स लिखने लगे तो बहुत सारी किताबें लिख देंगे आप। इसके वजह तो हम विस्तार से ये तो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट हो गया है कि पैसा लेना पैसा देना हमारे जनरली सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। और आप देखते होंगे पैसा लेना और पैसा देना कोई गलत बात मानते हैं, और जो सबसे करप्ट अधिकारी है उनको हमारा भेटी देना भी हम गलत नहीं मानते जनरली। और इसके अलावा जनरली ये सोचते कि जैसे एक्सीडेंट होते हैं सड़क पर, रोज हम देखते लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, एक्सीडेंट से घायल होते हैं, फिर भी हम सड़क पर चलना नहीं छोड़ते, क्योंकि हम समझते हैं हम ध्यान रखेंगे, हम होशियार रहेंगे, हमारे साथ कुछ घटना नहीं होगी। तो इसी तरह से जो अधिकारी अगर ट्रैप होते हुए भी उसके बावजूद भी इसलिए लेते हैं कि वो समझते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। और सेकेंडली जो ट्रैप कराता है जनरली हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी भी ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे पैसा सब कुछ है, पैसे के थ्रू ही लोग अपने, जैसे बड़ा घर चाहिए पैसा चाहिए, ज्वेलरी के लिए पैसा चाहिए, अपने बच्चे को कोई विदेश भेजना है पढ़ने के लिए उसके लिए बच्चा चाहिए, फैशनेबल गैजेट्स चाहिए, फैशनेबल गाड़ियां चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसे के थ्रू ही सब कुछ। इसके अलावा हमारे जनरली अधिकारी ये सोचते हैं उनका एंटाइटलमेंट है, और जब किसी अच्छे पद पे अगर वो स्थापित हो जाए, वहां मिल रहा है तो वो क्यों नहीं ले उसको, मतलब उनको ये सोचना है कि जब अवेलेबल है तो लेना लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से मेहनत करके अच्छे पदों में जाते हैं, और अच्छे पदों में जाने के बाद उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने, मतलब दे वांट टू मोनेटाइज एवरी डे ऑफ देयर करियर। तो एक तो लालच है प्लस सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों को पकड़ेंगे नहीं, कोई परिवार हमारे खिलाफ आएगा नहीं, मुझे लगता है ये कुछ कारण होंगे। ठीक है सर, मैं ये जरूर और जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से बड़े बड़े आपने ट्रैप किए IAS IPS और बहुत सारे केसेस, तो प्रेशराइज किया गया कभी IPS दिनेश MN जी को कि इस केस से इस फला इंसान का नाम निकल जाए, इस तरह से प्रेशर भी होता है आप पर? नहीं, जनरली जब भी जो बड़े केस होते हैं सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ, जब अच्छा एविडेंस होता है तभी कोई कोई एजेंसी केस बना पाता है, फ्रिवलस एविडेंस या नो एविडेंस पे कभी केस नहीं बनता है। जब हमारा केस पक्का हो जाए, हमारा केस अच्छा एविडेंस के साथ हो जाए,
उसके बाद जनरली कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कोई प्रेशराइज नहीं करते। और जनरली मैंने ये देखा है कि जैसे केस होने के बाद, इनफैक्ट बड़े बड़े केसों में हमने देखा है कि बहुत सारे इनके दोस्त भी उनसे बात करने लगे, बात करना बंद कर देते, उनसे मिलना बंद कर देते। मैं एक एग्जांपल बताऊं, जब हमने सबसे बड़ा केस वो जो माइनिंग वाला केस किया था, जो बहुत सीनियर 83 बैच आईएएस ऑफिसर पकड़ा था, तो उनके कुछ बैच, उनके कुछ साथी ऑफिसर्स, उनके कुछ बैचमेट्स ने मुझे पूछा था कि अरे दिनेश, हम जाके उनसे मिल सकते हैं क्या, उससे तो कोई मतलब तुम लोग हमारे पीछे तो नहीं करोगे। तो एक बार आदमी पकड़ा जाने के बाद इनफैक्ट काफी लोग उनकी नाता छोड़ देते हैं, और जब हमारा केस स्ट्रांग हो तो कोई हमें प्रेशराइज नहीं करते हैं। कुछ लोगों को इस तरह का भी डर होगा सर के फोन कॉल कर लिया तो कहीं हमारा भी नाम ना आ जाए, इस तरह इस वजह से भी हो सकता है कि लोग कहें कि हमसे पूछताछ होगी, इस वजह से भी हो सकता है। एक्चुअली जब भी जो बड़े केस होते हैं तब क्या बहुत सारे रूमर्स फैल जाते हैं कि ये रूमर्स फैल जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को पीछा कर रहे हैं, और एक डर का माहौल भी हो जाता है। उस टाइम में जनरली लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं, इसलिए उस तरह से अधिकारी से मिलने से भी वो मना करते हैं। हमने इनको कहा था कि आपके अगर शिष्टाचार भेंट करें तो उसमें कोई इसी भी आपके पीछा भी नहीं करेगी, और हम हमारे इससे कोई मतलब भी नहीं, हम इस जो अधिकारी पकड़े, हमारे जो एविडेंस मिला है उसको, एविडेंस को चार्जशीट बना के हम कोर्ट में पेश करेंगे, वहां तक ही हमारे सीमित है। और लेकिन जो भी मिलेंगे वो जो भी जैसे शिष्टाचार है, जैसे जेल तो परमिशन लेके मिलना पड़ेगा, तो उस तरह की चीजें उनको समझाते थे। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से मैं, हालांकि पहले भी आपसे इसके बारे में पूछा, कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक नंबर जारी किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कुछ एक कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और जैसा कि शिकायतें बहुत सारी आई है, हालांकि आपने जो सिस्टम बताया कि एसीबी का पूरा जो बड़ा सिस्टम है और वेरीफाई होता है, उसके बाद फिर मौके पर जाकर सत्यापन करवाया जाता है, वेरीफाई करवाया जाता है, और इस तरह से अगर इम्प्लीमेंटेशन हो पंजाब में, तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी टीम, अगर मैं आपसे पूछूं मेनली सीधा सवाल, कि कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी पंजाब सरकार को अगर राजस्थान की तर्ज पर इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो? जैसे मैं राजस्थान में बताऊं, हमारे टोटल 59 फाइटिंग यूनिट्स है। फाइटिंग यूनिट्स मतलब आउटपोस्ट है और चौकियां है, चौकियां मतलब हर चौकी हेडेड बाय एडिशनल एसपी है, और हर जिले में एक एडिशनल एसपी के लेवल में एक दो डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर्स और इस तरह की टीम है। और जो बड़े जिले हैं, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, रेंज हेडक्वार्टर्स है, वहाँ तीन तीन यूनिट भी है, और हमारे काफी करीब 10 आईपीएस ऑफिसर्स है, डीजी और एडीजी, डीजी डीआईजी एसपी लेवल, और हर रेंज हेडक्वार्टर में या तो एसपी या डीआईजी आईजी है। ठीक है, हमारे सरकार ने काफी स्ट्रॉन्ग कर रखा है एसीबी को मैन एंड मटेरियल वाइज। अब जैसे मेनली हम एसीबी का काम क्या, किस तरह से हम कार्रवाई करते हैं, मैं दो मिनट आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले ट्रैप करते हैं हम लोग, कोई परिवादी आए हमें कहे कि सर ये आदमी हमसे पैसा मांग रहा है, हम उसको पैसा देना नहीं चाहते, हम पकड़वाना चाहते हैं, तो हम ट्रैप ले करते हैं और उनको पकड़ते हैं, ये हो गया ट्रैप। सेकेंड हम करते हैं कि आय से अधिक संपत्ति वाला केस, आय से अधिक संपत्ति का केस मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी इसका जितना इनकम है उससे ज्यादा उसने प्रॉपर्टीज बना ली, उससे ज्यादा उसने उसका संपत्ति हो गई, वो हम उसका पूरा एनालिसिस करके उसका एक आय से अधिक संपत्ति का केस बनाते हैं। तीसरा हम करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई अधिकारी पैसे लेके किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं कोटा में पोस्टेड है और उसने काफी पैसा पूरा महीने का अर्जित कर लिया, वो पैसे लेके अपना घर जा रहा है, जयपुर आ रहा है, हमें पता चल गया 10 लाख लेके जा रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट करके उनसे पूछते हैं, और अगर उसको सेटिस्फाइंग जवाब दे पाए कि पैसा कहाँ से आया कैसे आया, तो हम उसको छोड़ देते, नहीं है तो हम केस बनाते हैं। अभी जैसे एक IRS अभी रिसेंटली लास्ट जुलाई में हुआ था, शशांक यादव यूपी के रहने वाले IRS ऑफिसर थे, वो नीमच से लेकर नीमच में पोस्टेड थे और गाजीपुर उनके पास चार्ज था। ठीक है, वो नीमच से पैसे लेकर वो गाजीपुर जा रहे थे, राजस्थान को सिर्फ जगह यूज कर रहे थे, हमें सूचना मिली कि ये पैसे लेके जा रहे, तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया, वो पैसे के बारे में पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए, तो हमने उनको अरेस्ट किया और केस बनाया और चार्जशीट किया हमने। तो इसके अलावा जैसे कोई सरप्राइज चेकिंग मतलब हमें पता चल गया किसी ऑफिस वो पैसा ले रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके इवनिंग में जाते हैं, तो हम इवनिंग में सरप्राइज चेक करके उस अधिकारी के पास जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पैसा मिले, तो हम केस बनाते हैं। ये बेसिकली ये मोटा मोटा हमारा केस है। और जैसे अगर मिसयूज ऑफ ऑफिस केस है, पद का दुरुपयोग केस, अगर ये कोई कंप्लेंट आया हमारे पास, उसमें अभी 2018 में एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के हिसाब से हमें
अगर पद का दुरुपयोग हुआ तो उस विभाग से परमिशन लेना पड़ता है, वो विभाग परमिशन देता है तो हम मुकदमा दर्ज भी करते हैं और उसमें जांच करके कार्रवाई करते हैं। तो मोटे मोटे बेसिकली इस तरह के काम करते हैं। इसके लिए हर जिले में यूनिट होना जरूरी है और अच्छे अधिकारी जिनको मतलब कन्विक्शन हो मतलब एसीबी एक्शन के लिए, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि सर एसीबी का काम कसाई का काम है और हमारे साथी अधिकारियों को पकड़ना पड़ता है। कि मैं ये कहना चाहता हूं, जो परिवादी हमारे पास आते हैं वो बहुत दुखी होके और बहुत परेशान होने के बाद ही हमारे पास आते हैं। मैं हमेशा मैं ऑफिसर्स को कहता हूँ कि जो ट्रैप कराने वाली टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने मतलब सुसाइड आदमी करना चाहते हैं उस तरह की टेंडेंसी है, क्योंकि एक तरह से अपने काफी चीजें दांव में लगाना पड़ता है जो भी ट्रैप कराने आता है। जो जब भी परिवादी हमारे पास आए ट्रैप कराने के लिए वो सिर्फ सरकारी भाषा नहीं सुनना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी समस्या समझे और एक तरह से एश्योरेंस चाहता है, जैसे बड़े भाई जैसे एश्योरेंस चाहता है। और वो ये भी सुनना चाहता है कि साहब हम तुम्हारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, तुम्हारा काम भी कराएंगे और तुम्हें कोई तंग करेगा तो हम तुम्हारे हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो इस तरह की लैंग्वेज वो सुनना चाहता है। तो हमारी सक्सेस यही कि जो परिवादी हमारे पास आ जाए उसके बाद वो ट्रैप से मुकरना नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली जो भी हमारे पास आते हैं पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस देने के बाद हम ट्रैप ले करते हैं, ट्रैप करने के बाद उसके काम भी कराते हैं और जहां भी इसके अगर कोई तंग परेशान करता है तो हम लोकल एसपी से बात करके उसको उसके परेशानी का निवारण भी करते हैं। बेसिकली जो एसीबी एजेंसी है उसको एक तरह से बड़े भाई जैसे व्यवहार परिवादी चाहता है, नॉट जस्ट जैसे सरकारी दफ्तर में चले जाए सरकारी काम जैसे करे। तो क्योंकि वो अपने सारे चीजें जैसे कोई ठेकेदार है बिजली ठेकेदार है अपने पूरा करियर दांव लगा के हमारे पास आता है। तो मुझे लगता है कि हर जिले में यूनिट हो इतना काफी है और कन्विक्शन वाले अधिकारी लगाए इससे काफी फर्क पड़ेगा। दिनेश एमएन को ही क्यों चुना जाता है सर? क्योंकि जहां बड़े बड़े टास्क होते हैं आनंद पाल का एनकाउंटर एसओजी में भेज दिया जाता है उसको आपको और उसके बाद फिर आपको एसीबी में, बहुत भरोसा है राजस्थान सरकार को आप पर? एक्चुअली वो जो भी काम होते हैं वो पूरा टीम 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 से होता है, वो इंडिविजुअल ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता है, ये तो पूरा। फिर भी मॉरल सपोर्ट अगर बात करूं तो टीम को किस तरह से बूस्ट करते हैं, क्योंकि टीम भी यूं कहा जाता है, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था जब इंटरव्यू से पहले, तो कहते हैं कि ऑफिसर जान देने तक जाते हैं दिनेश एमएन पर। नहीं, जब भी जैसे हम जहां भी पोस्टिंग होती है वो जो हर टास्क है उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे अब मैं एसओजी में गया जब आनंद पाल जो हमने पीछा करना चालू किया उस टाइम वो पूरे राजस्थान के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन गया था और हमारे एक कांस्टेबल 5 लाख का इनाम भी था। बिल्कुल जी, 5 लाख का इनाम भी था और राजस्थान हमारी पुलिस के 2 AK-47 लेके भाग गए थे और एक तरह से लोगों का भरोसा पुलिस के ऊपर काफी कम होने लग गया था। कहीं भी जैसे बारा हो जैसलमेर हो वहां भी हमारे कोई ट्रैफिक कांस्टेबल किसी को रोकता था तो भी वो पूछते थे साहब उसको तो पकड़ते नहीं हमें तंग करते रहते हो। तो एक बड़ा चैलेंज था और पूरा मतलब सिर्फ पुलिस नहीं पूरा स्टेट के लिए चैलेंज था। तो हमारे पास उस टाइम अच्छे डेडिकेटेड टीम थे, हमारे नागौर एसपी परेश देशमुख, चूरू एसपी राहुल बारट और मेरे ही टीम के एडिशनल एसपी करण शर्मा, संजीव भटनागर, डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह, डीवाईएसपी विद्या प्रकाश, और अच्छा टीम था जो पूरा टीम और पंजाब पुलिस की भी काफी मदद ली हमने उस टाइम। पंजाब पुलिस के आपके वोकू है, वोकू के पूरे टीम साथ हमने मिलकर काम किया, पंजाब पुलिस ने भी काफी मदद किया। और जब टास्क का इम्पोर्टेंस पता चलता है तो अपने आप मोटिवेशन हो जाता है। जैसे आप जैसे जब हमने माइनिंग का वो केस किया था, जो माइनिंग में क्या था कि ये लोग क्या करते थे माइंस बंद करते थे पैसे के लालच में, जैसे एक माइन बंद हुआ तो करीब 200-300 लोग बेरोजगार हो जाते थे। जब हमने ये केस किया था करीब 15-20 माइन्स बंद थे, इसका मतलब 5-6 हजार लोग बेरोजगार थे। जब हमने इस केस किया जैसे पकड़ा इनके अधिकारियों को माइनिंग केस में, तो अगले दिन ही सारे माइनिंग इंजीनियर्स ने जाके उनकी इनफैक्ट वो जो हाथा जो वो जो माइनिंग ओनर्स थे माइन ओनर्स थे उनको हाथा जुड़ी करके चालू करवाया। तो आप हमारे जो टास्क होता है टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क से मोटिवेट होना चाहिए। और जैसे एसीबी में जो परिवादी आता है इतना भरोसा करके हमारे पास आता है तो उससे मोटिवेट होते जब इस तरह के बातें जब सबॉर्डिनेट से बात करते हैं हम और उनको भी मोटिवेट करते हैं, सबको समझ में आता है और ओवरऑल अच्छा टीम स्पिरिट से अच्छा काम हो जाता है। सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है आपकी, करीब 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया आपके पेज पर, ट्विटर पर भी अच्छी धाक जमाई हुई है आपने। नहीं, ये
अब लोगों का परसेप्शन है मैं अच्छा काम करता हूँ, और जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल ऑफिसर कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑलवेज द टीम। मैं हमेशा लकी रहा हूँ कि हमेशा मेरे अच्छा टीम मिले, अच्छे बॉसेस मिले, और एसओजी में था मैं उमेश मिश्रा साहब, बहुत अच्छे बॉस थे। अभी जो प्रेजेंट बॉस है भगवान लाल सोनी साहब, उससे पहले भी त्रिपाठी साहब थे, अच्छे अच्छे बॉसेस मिले, वो इनकरेज करते हैं और हम लोग अच्छे टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, और सरकार की भी सपोर्ट रहती है। आप 7 साल जेल भी रहे हैं सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का जो पूरा मामला था, 7 साल जेल रहे, जेल से भी कोई ऐसी शिक्षा मिली कि इस तरह से इस स्पिरिट से काम करना है, माना जा सकता है इसको सर? जेल में क्या, एक तो जेल, जब मैं 7 साल जेल में रहा कि वो एक तो जेल थी, यूनिवर्सिटी आदमी के लिए, एक तरह से लाइफ के लिए भी यूनिवर्सिटी है, और इवन जैसे क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए भी यूनिवर्सिटी है। तो लाइफ लेसन सबसे बड़ा यही मिला कि जेल हो या कहीं भी हो, कोई बीमारी हो, जिंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छा जी लेना चाहिए, और प्रेजेंट में जीना है, और उम्मीद कभी छोड़ना नहीं है। और हर सिचुएशन में कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि जो आपके हाथ में रहते हैं, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं रहते। अब हमेशा कोशिश करना है कि आपके जो हाथ में चीजें उनके ऊपर आप कंट्रोल करो, उनके ऊपर आप ज्यादा इन्वेस्ट करो। जैसे मैं जेल में था तो उस टाइम बेल लेना, बाहर जाना, परिवार से मिलना, ऑफिसर बन के काम करना, वो मेरे हाथ में था नहीं, लेकिन उस टाइम में मेरे हेल्थ को अच्छा रखूं, कितना फिट रहूं मैं, और माइंड को कितना पॉजिटिव रखूं, वो मेरे हाथ में था। और जैसे 24 घंटे जेल है तो 24 घंटे अपॉर्चुनिटी भी है, कितने किताबें पढ़ो, वो मेरे हाथ में था। अब जैसे मैं कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस जेल में नहीं रहता था, मैं एस्केप करके टॉल्स्टॉय की दुनिया में चले जाता था। तो इस तरह से, और मेडिटेशन करना, और मतलब योगा करना, इसके लिए खूब टाइम मिल जाता था। और आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी लाइफ वैसे पॉजिटिव और अच्छी हो जाती है। और कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद रखेंगे तो कोई भी सिचुएशन में थोड़ा एंथुसियाज्म रहता है। और डे टू डे लिविंग, जैसे उस दिन की जीना और उस दिन के लिए प्लान करना, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारे हाथ में, ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में, ना ही पास्ट हमारे हाथ में। हमने कोशिश किया कि जो प्रेजेंट को मैक्सिमाइज एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करें, अच्छा एक्सरसाइज करें, और जेल का खाना भी अगर भूख लगता है तो बहुत अच्छा लग जाता है, तो हम खाना तभी खाते जब भूख लगता। और दूसरा, जैसे अगर सोना है जेल के अगर फर्श पर भी, अगर दिन भर पूरा थकान, मेंटल और फिजिकल थकान हो जाती, 10 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, अच्छी नींद आ जाती थी, और जो अनसर्टेनिटी थी आगे केस में क्या होगा, उसको कभी उम्मीद नहीं छोड़ा, इसलिए वो अनसर्टेनिटी, वो डर भी धीरे धीरे निकल गया। इसके अलावा जैसे पुलिसिंग काम में हमने बहुत नजदीक से सारे सब लोगों को देखा। हम जिस जेल में रहे, जैसे जहां मैं बॉम्बे तलोजा जेल में था, वहां काफी गैंगस्टर्स थे, वहां जो गैंगस्टर अबू सलेम और अरुण गावली और डीके राव, पूरा छोटा राजन का पूरा गैंग था, इंडियन मुजाहिदीन के कुछ लोग थे, और मालेगांव ब्लास्ट के कुछ लोग थे, कुछ नक्सलाइट्स थे। तो इनके साथ काफी इनकी बातें की हम लोगों ने, इनसे इंटरेक्शन किया, तो जनरल क्राइम के बारे में भी काफी चीजें समझ में आई। वो वहां जेल में जो समझ में, वो चीजें मैंने अनंतपाल ऑपरेशन में भी हमने इम्प्लीमेंट किया था। जैसे सबसे पहले जब मुझे अनंतपाल टास्क मिला था, मेरे टीम को मैं पूछा था कि हमारा टास्क क्या है, अनंतपाल को पकड़ के जेल में डालने से हमारा काम खत्म हो जाएगा क्या? उससे हमारा काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि अंदर रह के अगर कोई क्राइम करे तो पब्लिक को क्या फायदा होगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हर क्रिमिनल, हर गैंग की क्या ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है कि उसका एक कॉन्फिडेंस कि हमारे केसों में मुझे सजा नहीं होगी, ये सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस है उनको, उसको कॉन्फिडेंस को तोड़ना पड़ता है। तोड़ना कैसे तोड़ेंगे, हम केस फॉलो करना, पैरवी कराना, हमने अच्छे पैरवी कराए तो अनंतपाल की 3 केसों में जो इसकी जो मेन आदमी थे, जो 20-25 लोग, उनको आजीवन कारावास हो गया। वो जो नागौर जिले के SP परेश देशमुख और वहाँ के एडिशनल SP थे ज्ञानचंद यादव, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, उनको केसों में सजा करा दी। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही होता है, मुझे सजा नहीं होगी। अगर किसी को अगर पता चलता फर्स्ट मर्डर में या तो फांसी होना सर्टेन है या आजीवन कारावास है, तब वो मर्डर करेंगे ही नहीं। उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम हर केस में बरी हो जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस को हमें तोड़ना पड़ता है, कॉन्फिडेंस शेक करना पड़ता है। दूसरा, हर क्राइम के बाद वॉट आर द मतलब रिचेस क्या है, बहुत पैसे कमा लेते वो लोग, वो पैसा इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो हमने अनंतपाल वाले ऑपरेशन में हमने किया कि इनकी करीब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हम जिलों से मिलके पहले राज्य सरकार से जब्त कराई, बाद में हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में भी हमने जब्त करवाई। तीसरी, इनकी ताकत होती है कि हमारे पास इतने 100-150 लोग है, हमारे कहने से किसी को भी गोली चला देंगे, किसी को भी धमका देंगे,
तो उसमें हम लोगों ने काफी 100-150 लोगों को बंद किया और उनको बंद करने के बाद जमानत नहीं होने दिया। अगर सेशन कोर्ट में जमानत हो गई, हम हाई कोर्ट में चैलेंज करते, हाई कोर्ट में जमानत हो गई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके उनकी जमानत कैंसिल करवाते हैं हम लोग। तो ये सब जब मैं इतना 7 साल जेल में रहा, इनकी जो मनस्थिति देखी, इनकी जो मेंटेलिटी देखी, उससे काफी कुछ सीखने को मिला, समझ में भी आया कि मतलब एक क्रिमिनल क्राइम करते हुए भी सारे काम गलत कर रहा है। जैसे वो काम करता है वो सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, अपने आत्म मतलब अपने जमीर भी एक्सेप्ट नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्ट नहीं करता, मोहल्ला भी एक्सेप्ट नहीं करता, और इमोरल भी है, इलीगल भी है, अनएथिकल भी है, तो भी इसका इतना हिम्मत कहाँ से आता है। तो वो सारे चीजें जो मैंने समझी और सोचा उनको हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया, उससे काफी सीखने को मिला, उसको अभी भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी सीखा है उसको पुलिसिंग में देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे देखकर जरूर जो जिन भी लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है, खास तौर पर हमारा पर्पज़ ये है कि पंजाब सरकार ने जो काम शुरू किया है ताकि पंजाब में करप्शन को ख़त्म किया जा सके, और राजस्थान में भी जो बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे वो लोग भी सीखें और ACB पर भरोसा करें वो लोग, और अगर पंजाब के लोग हैं जो भी स्टेट्स के लोग हैं वो ज़रूर अगर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई योजना चल रही है तो उसमें सपोर्ट करेंगे। उसी सुन रहे सी IPS दिनेश M मैनू, जो कि ADGP ने एंटी करप्शन ब्यूरो दे और टॉप दे IPS अफसर ने, और 7 साल जेल दे विच रहे, सारा तजर्बा उन्होंने दसाया कि किस तरह खतरनाक गैंगस्टर जो राजस्थान का सी, 5 लाख का इनाम से उसते आनंदपाल, उसका एनकाउंटर किस तरह किया और किवें एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा। सो पंजाब दे विच किस तरीके दे नाल इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, किस तरीके दे नाल पंजाब सरकार नू काम करना चाहिए है, किस तरीके दे नाल पंजाब दे विचों करप्शन खत्म किया जा सकता है, राजस्थान दे विच किस तरीके दे नाल काम कर रहा एंटी करप्शन ब्यूरो, ये साड़ी कोशिश सी ताकि लोग समझ सकन ते लोग होर भी जागरूक हो सकन, ते क्योंकि सारे आपां मिलके पंजाब चों करप्शन खत्म करिए। होर तमाम खबरां ते अपडेट्स लई जुड़े रहो प्रो पंजाब TV दे नाल। धन्यवाद।